दोस्तों, यदि मैं आपसे जानवर के बारे में पूछूं तो आपके मन में सबसे पहले शेर या बाघ या कुत्ते बिल्ली ही आएंगे। परंतु क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? दोस्तों, इन सवालों का जवाब देना बहुत कठिन बात है, क्योंकि यह पृथ्वी के सबसे खतरनाक जीव की बात कर रहे हैं जो कभी इस धरती पर रहता था। काफ़ी लोगों को शायद यही पता होगा, परंतु डायनासोर से भी ज़्यादा खतरनाक ये मेगालोडोन शार्क है। सबसे पहला सवाल जो आपके मन में आ रहा होगा वो ये है कि आखिर ये मेगालोडोन शार्क क्या है? दोस्तों, अगर सरल शब्दों में कहूँ तो मेगालोडोन शार्क मेगाटूथ शार्क की श्रेणी में आने वाली एक बहुत ही विशालकाय मछली है, जो कि अभी विलुप्त हो चुकी है। कहा जाता है कि ये मेगालोडोन मछली अब तक की सबसे बड़ी शार्क है और साथ ही ये पृथ्वी पर जीवित सबसे बड़ी मछली थी। दोस्तों, ये मछली आज से कई साल पहले हमारी पृथ्वी के समुद्र पर राज करती थी। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 25 लाख साल पहले ये मछली जीवित थी। इसके अलावा इन मछली की जीवाश्म में पता चलता है कि ये पृथ्वी पर सबसे पहले 2.5 से 3 करोड़ साल पहले आई होगी। मित्रों, इस मछली का जीवाश्म अंटार्कटिका को छोड़कर हर एक महाद्वीप में पाया गया है। वैसे आमतौर पर इसके जीवाश्म समुद्री तटों पर खोजे गए हैं। दोस्तों, शोध से पता चला है कि इस मछली की लंबाई औसत 10.2 मीटर तक रही होगी। हालांकि कुछ कुछ अवशेषों से यह भी जाहिर होता है कि मछली की सबसे बड़ी प्रजाति की मछली की लंबाई लगभग 17.9 मीटर तक लंबी थी। वैसे हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे बड़ी मेगालोडोन मछली की लंबाई 25 मीटर तक हो सकती है। वर्तमान समय में पृथ्वी की सबसे बड़ी मछली की लंबाई लगभग 40 फीट तक ही है। सुनने में जितना अनोखा और अजीब लग रहा है, हालांकि ये भी उतना ही दुर्बल है। हम इंसानों के पास एक ही समय में 28 से 32 दांत हो सकते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं कि कभी 40,000 दांतों से लेस किसी जीव के बारे में सोचा है? मित्रों, मेगालोडोन शार्क एक ऐसी मछली है जिसके पास से 40,000 दांत पाए गए हैं, और वो भी सिर्फ एक ही मछली के थे। हमारे कहने का मतलब यह है कि मेगालोडोन शार्क हर 2-3 हफ्तों में अपने दांतों को बदल देते थे, जिससे उन्हें अपने शिकार को करने में आसानी होती थी। इसलिए एक मेगालोडोन मछली अपने पूरे जीवन काल में 40,000 दांतों तक होते थे। अगर हम किसी मछली और हाथी की एक साथ तुलना करें तो आप बोलेंगे कि क्या बेतुकी बात है, कहाँ हाथी और कहीं एक छोटी मछली। इन दोनों ही जीवों के अंदर वजन और आकार का आकाश पाताल का अंतर है, जो एक हिसाब से आज के जमाने में सही भी लगता है, परंतु आज से करोड़ों साल पहले यह बिल्कुल भी सही नहीं था। मेगालोडोन शार्क आज के हाथी की तुलना में 8 गुना ज्यादा वजनी था। शोध से पता चला है कि एक मेगालोडोन शार्क का वजन लगभग 65,000 किलोग्राम तक हुआ करता था। इसके अलावा मादा शार्क वयस्क नर शार्क से ज्यादा लंबी और वजनी हुआ करती थी। इनके जबड़े थे दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर जबड़े। अगर आपकी सोच यह है कि मगरमच्छ या शेर का जबड़ा काफी शक्तिशाली होता है तो जरा ठहरिए, क्योंकि आपकी ये सोच पूरी तरह से गलत हो सकती है। वैज्ञानिकों के अनुसार एक मेगालोडोन शार्क का जबड़ा आज के जंगली जानवरों से 1,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। अगर आपको लगता है कि ये मछलियाँ सिर्फ देखने में ही खूंखार हैं तो आपकी सोच बहुत गलत है, क्योंकि देखने में ये जितना खूंखार लगे या न लगे, परंतु जिंदा रहने की क्षमता की तारीफ करनी होगी। काफी शक्तिशाली होने के बाद भी चालाक थी मछलियों ने पृथ्वी के समंदर में लगभग 2 करोड़ साल तक राज किया। इनके दांतों की लंबाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आमतौर पर इंसान के दांत 20 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं, परंतु क्या आपको पता है कि मेगालोडोन शार्क के एक दांत की लंबाई 7.48 इंच तक हुआ करता था? वैसे अगर हम इन मछलियों की औसतन दांतों की लंबाई की बात करें तो ये 4.5 इंच से लेकर 5 इंच के अंदर आता है। मित्रों, ज़्यादातर देखा जाता है कि प्रकृति में जितने भी जीव हैं वो एक खास ही जगह पर पाए जाते हैं, जैसे कि ऊंट रेगिस्तान में और पेंगुइन बर्फीले इलाकों में, परंतु मेगालोडोन शार्क के क्षेत्र में ऐसा नहीं था। यह एक ऐसी मछली थी जो कि पृथ्वी के हर कोने में यानी हर एक महाद्वीप में मौजूद रहती थी। इतने बड़े जबड़ों को देखकर आपको यकीन नहीं होगा, मैंने इससे पहले भी मेगालोडोन शार्क के जबड़ों के बारे में आप लोगों को काफ़ी बताया है, परंतु वहां पर मैंने आपको इनकी जबड़ों के आकार के बारे में नहीं बताया। तो चलिए एक नज़र इनके विशालकाय जबड़ों के आकार में भी डालते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार मेगालोडोन शार्क के जबड़े लगभग 9 से 11 फीट बड़े हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से करीब 26 लाख साल पहले मेगालोडोन मछलियाँ विलुप्त हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको यदि ऐसी वीडियो और देखनी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।